जीआरपी आगरा ने कैंट रेलवे स्टेशन से एक शातिर गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 90,000 रुपए मूल्य का गांजा बरामद किया गया। पकड़े गए शख्स का नाम कलाम पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी मदनपुर खादर थाना जैतपुर दक्षिण दिल्ली बताया गया है। उसके द्वारा ये बताया गया है कि वो गांजे से भरा बैग ग्वालियर से एक अज्ञात व्यक्ति से लेकर आया है। उप निरीक्षक जयप्रकाश यादव द्वारा हमराइयों के साथ सर्कुलेटिंग एरिया प्राइवेट वाहन पार्किंग स्थल पर भ्रमण के दौरान इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। शक होने पर इसके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से गांजा बरामद हुआ। विशाखापट्टनम की साइड से साउथ इंडिया से काफी मात्रा में आता है यहाँ पर, और जो ये आगरा कैंट मथुरा और दिल्ली जाता है, इस बीच हमने काफी बरामद भी किया है गांजा और काफी लोग को तो बंद भी किया है और लगातार ये अभियान हमारा चलता है। तुमने बताया ये कहाँ पर पहुँचाना था? ये दिल्ली लेके जा रहा था और ये आगरा तक तो ट्रेन से आया है और यहाँ से इसका बस से प्लान था दिल्ली ले जाने का, क्योंकि दिल्ली निजामुद्दीन में काफ़ी अधिक चेकिंग इसकी चलती है, इसलिए वहाँ इनका कहना है बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल है। अपराध इतिहास क्या नहीं मिला है और दिल्ली से हम इसकी और आपराधिक इतिहास की जानकारी कर रहे हैं। जीआरपी आगरा ने कैंट रेलवे स्टेशन से एक शातिर गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 90,000 रुपए मूल्य का गांजा बरामद किया गया। पकड़े गए शख्स का नाम कलाम पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी मदनपुर खादर थाना जैतपुर दक्षिण दिल्ली बताया गया है। उसके द्वारा ये बताया गया है कि वो गांजे से भरा बैग ग्वालियर से एक अज्ञात व्यक्ति से लेकर आया है। उप निरीक्षक जयप्रकाश यादव द्वारा हमराइयों के साथ सर्कुलेटिंग एरिया प्राइवेट वाहन पार्किंग स्थल पर भ्रमण के दौरान इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। शक होने पर इसके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से गांजा बरामद हुआ। विशाखापट्टनम की साइड से साउथ इंडिया से काफी मात्रा में आता है यहाँ पर, और जो ये आगरा कैंट मथुरा और दिल्ली जाता है, इस बीच हमने काफी बरामद भी किया है गांजा और काफी लोग को बंद भी किया है और लगातार ये अभियान हमारा चलता है। तुमने बताया ये कहाँ पर पहुँचाना था? ये दिल्ली लेके जा रहा था और ये आगरा तक तो ट्रेन से आया है और यहाँ से इसका बस से प्लान था दिल्ली ले जाने का, क्योंकि दिल्ली निजामुद्दीन में काफ़ी अधिक चेकिंग इसकी चलती है, इसलिए वहाँ इनका कहना है बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल है। अपराध इतिहास क्या नहीं मिला है और दिल्ली से हम इसकी और आपराधिक इतिहास की जानकारी कर रहे हैं।